एक सेठ की हवेली थी, बगल में एक गरीब का छोटा सा घर था। दोनों घरों की स्त्रियां जब आपस में मिलती थी तब एक दूसरे से पूछती थी कि आज तुमने क्या रसोई बनाई। सेठ की स्त्री कहती कि आज पापड़ की सब्जी बनाई है, दाल बनाया है। गरीब घर की स्त्री कहती कि आज हमने हलवा पूरी बनाई है, खीर बनाया है। सेठ की स्त्री ने अपने पति से कहा कि हम लोग तो साधारण भोजन करते हैं, पर गरीब आदमी इतना माल खाते हैं, आखिर बात क्या है। सेठ ने कहा कि अभी वे 99 के चक्कर में नहीं पड़े हैं, इसलिए माल खाते हैं। जब 99 का चक्कर लग जाएगा तब ऐसा माल नहीं खाएंगे। स्त्री ने पूछा कि यह 99 का चक्कर क्या होता है। सेठ ने कहा कि मैं बताऊंगा, देखती जाओ। दूसरे दिन सेठ ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम 99 रुपए लाओ। वह 99 रुपए लेकर आई। सेठ ने उन 99 रुपयों की एक कपड़े में पोटली बना ली और अपनी स्त्री से कहा कि रात में मौका देख करके यह पोटली उस गरीब के घर में फेंक देना। रात होने पर स्त्री ने वैसा ही किया, उस गरीब स्त्री के घर में वह पोटली फेंक दिया। सुबह होने पर गरीब आदमी को आंगन में एक पोटली पड़ी हुई दिखाई दिया। उसने भीतर ले जा करके पोटली को खोला तो उसमें रुपए मिले। उसने 20-20 रुपए को 5 जगह रखे तो देखा कि 5 20 में जो 20-20 के गड्ढे थे वो 5 गड्ढे बन गए। तो उन 5 गड्ढों में एक गड्ढा जो था तो उसमें 1 रुपए कम था 20 रुपए में। पति पत्नी दोनों ने विचार किया कि 2-3 दिन घर का खर्चा कम करके 1 रुपया बचा ले तो 5-20 यानी 20-500 रुपए हो जाएंगे। 5 ढेर जो 20-20 के हैं उसी को 5-20 कहा जाता है, तो ये 100 रुपए पूरे हो जाएंगे। 1 रुपये अगर बचा करके उस 20 को भी पूरा कर लें तो ऐसा सोच करके उन्होंने पैसे बचाने शुरू कर दिए। 3 दिन में 1 रुपया बचा भी लिया, 5-20 पूरी हो गई। अब उन्होंने सोचा कि हमने 2-3 दिन में 1 रुपया पैदा कर लिया, यदि पहले से इस तरह ध्यान देते तो आज तक कितने रुपए जमा हो जाते, तमाम पैसा इकट्ठा हो जाता। इतने दिन व्यर्थ ही गंवाए, अब आगे से ध्यान रखेंगे, अब सब इतना खर्चा नहीं करेंगे। कुछ दिन बीतने पर सेठ ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तुम उस गरीब की स्त्री से पूछना कि क्या बनाया है। जब गरीब घर की स्त्री मिली तो सेठानी ने पूछ लिया कि आज क्या बनाया है। उसने कहा चटनी पीस ली है, उसके साथ रोटी खा लेंगे। सेठानी को 99 का चक्कर समझ में आ गया। कवि ने कहा है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय को संग कीन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति कीन्हे।